तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल स्क्वायर रूट थंडर बोल्ट सोरिया में। तो स्क्वायर रूट्स एंड स्क्वायर पढ़ेंगे, इस टॉपिक के दो भाग होंगे, स्क्वायर रूट्स एंड स्क्वायर्स। तो स्क्वायर्स की ट्रिक मैं बाद में बताऊंगा, पहले स्क्वायर रूट्स की ट्रिक जान लीजिए। तो पहले आप ये जान लीजिए, तो आखिर स्क्वायर होते क्या है। तो स्क्वायर वो होते हैं कि हम लोग कोई भी नंबर को दो बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दो से मल्टीप्लाई नहीं, दो बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 2 × 2 = 4, हमने यहाँ पर 2 को दो बार मल्टीप्लाई किया है, 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया। जी हाँ, 3 को दो बार मल्टीप्लाई किया, 9। तो मैं कह दूंगा 3 का जो स्क्वायर है 9 है। ओके, 3 का जो स्क्वायर है 9 है। अब आपने स्क्वायर और स्क्वायर रूट का देखा ही होगा, तो मैं बता ही देता हूँ कि जो स्क्वायर रूट होता है ना उसका सिंबल ये होता है, और जो स्क्वायर होते हैं ना उनका सिंबल ये होता है। तो 9 जो है 3 का स्क्वायर रूट है। जी हाँ, हमने कहा कि 3 का स्क्वायर क्या होता है, तो हमने 3 को दो बार मल्टीप्लाई किया, 3 × 3 = 9। हमने कहा 9 जो है 3 का स्क्वायर है, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो मैं उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दूंगा। और मैंने उसका स्क्वायर क्या होगा, तो 3, तो मैं 3 का स्क्वायर लिख दूंगा। तो ऐसे मैं रिप्रेजेंट करूंगा उसको। तो चलिए अब हम लोग अपनी ट्रिक के बारे में सोचते देखते, लर्न दिस। जी हाँ, आप ये लर्न कर लीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, और ये देख लीजिए क्या लिखा है, 1 4 5 6 9 0 0, इनसे स्क्वायर रूट एंड हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर रूट है। अगर 2 3 7 8 से चालू हो ख़त्म हो तो इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट है। तो आप ये लर्न कर लीजिए। तो ये टेबल इम्पोर्टेंट है, स्क्वायर सारे नंबर्स के दिए हुए 1 to 20। तो अब चलिए हमारी ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। तो आप ये सब नंबर याद रख लीजिए, आप ये सब नंबर याद रख लीजिए, और इनके लास्ट डिजिट ऑफ द स्क्वायर भी याद रख लीजिए। तो हमारा मेन पॉइंट आता है, इफ स्क्वायर एंड्स विथ 1 4 5 6 9। मैंने आपको अभी बताया कि 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है, 5 का स्क्वायर 25 है। तो अगर 9 6 1 कोई भी स्क्वायर नंबर है, स्क्वायर रूट इसका निकालना है हमें, तो मैंने पहले इसका यूनिट डिजिट देखा, तो मैंने कह दिया, तो इसके स्क्वायर रूट का जो लास्ट डिजिट नंबर होगा वो या तो 1 से एंड होगा या तो 9 से एंड होगा। ओके, क्लियर, ये क्लियर हो गया। अगर इसी नंबर को मैं अगर यहाँ पर 4 लिख देता तो मैं कह देता इसका लास्ट डिजिट अगर 4 है तो इसका स्क्वायर रूट का लास्ट डिजिट जो होगा वो 2 या तो 8 से ख़त्म होगा। ओके, तो आप समझ गए होगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो कोई भी किसी का स्क्वायर रूट निकालने के दिया रहे और उस नंबर का जो लास्ट डिजिट है 1 से एंड हो तो हम लोग 1 या 9 लिख देंगे, 4 से एंड हो तो हम लोग 2 या 8 लिख देंगे, 5 से एंड हो तो 5 लिख देंगे, 6 से एंड हो तो 4 या 6 लिख देंगे, 9 से एंड हो तो 3 या 7, और 0 से एंड हो तो 0। चलिए हम लोग एग्जांपल भी देख लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 6 8 8 9। तो अब मैं पहला स्टेप, एकदम 2 डिजिट के पहले स्लैश मारो, मार दिया, लास्ट डिजिट के ऊपर नज़र मारो 9। हमने जो टेबल याद किया था उसमें लास्ट डिजिट अगर 9 से एंड हो तो हम लोग लास्ट डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट कहेंगे 3 या 7। तो मैंने लिख दिया या तो 3 होगा या तो 7 होगा। ओके, अब 68 के पहले कौन सा ऐसा नंबर है जो स्मॉल परफेक्ट नंबर हो, तो मैं कह दूंगा 8। क्यों, 68 के पहले कौन सा स्मॉल परफेक्ट स्क्वायर आता है, 64, उसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 8। तो उसका स्क्वायर रूट हम लोग यहाँ पर पटक देंगे, मतलब 8 रख देंगे। अब हमें चेक करना है कि 3 आएगा या 7। तो 8 को उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई करो, अगले नंबर से, पिछले नंबर से नहीं, अगले नंबर से। 8 के बाद क्या आता है, 9। तो 3 × 9 = 72। जब भी अगर आंसर
आंसर अगर एक्स नंबर से बड़ा हो, आंसर मतलब 72 अगर 68 से बड़ा है तो हम लोग छोटा नंबर लेंगे तो जो है 3, छोटा नंबर लेंगे जो है 3। जी हाँ, अगर आपका नंबर ऐसे दिया हो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई जेड, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई जेड, तो आप क्या करोगे, पहले स्लैश मारोगे वाई जेड के पीछे पहले, फिर उसके बाद लास्ट डिजिट देखोगे जेड, तो जेड को देख के मैंने कहा कि या तो इसका ई होगा लास्ट डिजिट या तो डी होगा, फिर उसके बाद एक्स के पहले कौन सा नंबर आता है, तो मैंने कहा एक्स के पहले आता है डब्ल्यू, तो फिर मैंने डब्ल्यू ले लिया यहाँ पर, तो डब्ल्यू का स्क्वायर रूट अगर होता है वाई, नहीं वाई नहीं, ए ले लेते, ये तो सिर्फ मैंने ऐसे ही कहा ए। अब मुझे चेक करना ई आएगा या डी आएगा, तो अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो ए इंटू बी। अब ए इंटू बी का जो आंसर होगा अगर बड़ा होता है तो हम लोग छोटा नंबर लेंगे ई, अगर आंसर छोटा होता है एक्स नंबर से तो हम लोग बड़ा वाला नंबर लेंगे डी। समझ गए होगे, मैंने वेरिएबल से समझा दिया है। तो हमने देखा कि 68 के पहले स्मॉल स्क्वायर नंबर आता है 64 जिसका स्क्वायर रूट 8 होता है, तो हमने यहाँ पर 8 लिख दिया, 8 इंटू 9 अगले नंबर से किया 72 जो है 68 से बड़ा है तो मैं छोटा नंबर लूँगा। अगर आपको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कैसे हुआ, तो मैं 83 इंटू 83 कर देता हूँ, 3 3 9, 3 24 48 8, यहाँ पर 4 8 64 8 68 हो गई आपकी, बल्ले बल्ले। अगर मैं ले लूँ 8 2 8 1 2 7 0 4 ले लेते, चलिए चलिए ना 8 2 8 1 दोनों का निकाल दो, 8 2 8 1 का स्क्वायर रूट निकाल लिए। तो मैंने कहा था आपको वो टेबल याद होना चाहिए, तो पहले मैंने रूल के हिसाब से स्लैश मारा, लास्ट डिजिट में नज़र मारा, तो मैंने कहा 1 होगा या तो 9 होगा। फिर उसके बाद 82 के पहले क्या आता है 9, 82 के पहले 81 होता है जो स्क्वायर नंबर है स्मॉल, उसका स्क्वायर रूट क्या होता है 9, फिर 9 × 10 उसके अगले नंबर से 90, तो अब मैंने कहा 90 बड़ा है 82 से, तो मैंने क्या कहा था अगर आंसर बड़ा हो एक्स नंबर से तो छोटा वाला नंबर लेंगे 91। मल्टीप्लाई करके भी देख लेते हैं ना, 1 1 1 1 फिर 1 1 1 9 9 81 81 81 82 वही हो गया 81। आपका आंसर यही है, आपको अगर मल्टीप्लाई करके देखना तो देख सकते हो। जी हाँ, मैं ऐसे आपको कन्वर्सेशन मेथड से भी दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर 1 1 1 फिर 1 9 9 फिर 9 1 9 फिर 9 9 81, तो यहाँ पर आ गया 1 8 2 8 आंसर आ गया आपका। चलिए और क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, और क्वेश्चन करते हैं 5 4 7 6 दो नंबर के पहले स्लैश मारो, लास्ट डिजिट पे झाँको, लास्ट डिजिट 6 है तो मैंने कह दिया लास्ट डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट विल बी 4 या 6। 54 के पहले ऐसा कौन सा नंबर आता है, तो 54 के पहले मैंने कह दिया 49 आता है जो स्क्वायर रूट स्क्वायर नंबर है स्मॉल, तो उसका स्क्वायर रूट क्या होता है 7। ओके, 7 के अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 7 इज 56, तो मैंने कहा था 7 इज 56। जब भी आंसर एक्स नंबर से बड़ा हो छोटा नंबर ले गए तो 4, क्योंकि 56 54 से बड़ा है तो 4। मल्टीप्लाई करके देख लेते, 4 4 16 6, यहाँ पर 1 7 4 28, 7 4 28 28 2 28 2 56 56 56 + 1 57 7, यहाँ पर 5 7 7 49 49 + 5 करोगे तो 54, 5 4 7 6 आपका आंसर आ गया, 5 4 7 6 आपका आंसर आ गया, 5 4 7 6 आपका आंसर आ गया। फिर चलिए एक और एग्जांपल कर लेते हैं, इसके अगली वीडियो में क्वेश्चंस के ऊपर लिया होगा, स्क्वायर्स के नहीं क्वेश्चंस। 2 1 1 6 2 1 1 6 चलिए, दो नंबर के पहले स्लैश मारो,
ओके लास्ट डिजिट 6 है, तो हमने ले लिया, नहीं इस बार हम लोग कुछ अलग सा एग्जांपल लेते हैं। इस बार मैंने लिया 2704, तो 4 का जो लास्ट डिजिट नंबर होगा स्क्वायर रूट 2 होगा या तो 8 होगा, स्लैश मारना भूल गया था। 27 के पहले क्या आता है 25, उसका स्क्वायर रूट 5 होता है, फिर उसके बाद 5 × 6 30, मैंने कहा था 30 27 से बड़ा है तो 52 × 52 = 2 2 4 2 5 10 2 5 10 10 20 0, यहाँ पर 2 5 5 25 27 2704। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आपको इसका कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। आपको कुछ भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हो। तो 1 3 2 4 9 का स्क्वायर रूट बताइए, 2 1 1 6 का बताइए, 5 76 का बताइए। तो चलिए आप हमें चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा।